तो हारने के बाद इतने लोगों का हुजूम ये बताता है कि ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं थी। वास्तव में ये एक सैद्धांतिक लड़ाई थी। मैं भी एक दिन एक जगह बैठा हुआ था तो वहां पे एक हमारे कांग्रेसी मित्र, मतलब घर जैसे संबंध है, तो बहू ने मुझसे बोला, भैया आपका ऑटो तो पंचर हो गया। मैंने कहा बेटा ऑटो पंचर हुआ, कई जहाज डूब गए। उनकी चिंता कर बेटा। और अभी तो ये प्रारंभ है हमारे संघर्ष का। आप लोगों के आशीर्वाद से ये जो फौज तैयार हुई है राजनीतिक शुद्धिकरण मंच की, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में राजनीति को इस क्षेत्र से एक नई दिशा मिलने वाली है। अभी भगवती बाई ने बोला था कुछ कुछ दमन चक्र भी चालू होगा, तो मैं आपको इस मंच से आश्वस्त करता हूँ किसी भी दमन का न्यायालय में सामना फ्री में होगा। यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता की ओर, किसी भी व्यक्ति की ओर किसी तरीके से गलत अनैतिक दबाव बनाया गया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ लड़ने का आदी हूँ, बाकी सब भगवती भैया करेंगे। तो उस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, क्योंकि बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ आपने पूरी बात सुनी है, तो बहुत ज़्यादा लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस यही निवेदन है कि एक संगठन समूह हम सबका बना रहे, ताकि जिन समस्याओं को लेकर कोई आवाज नहीं उठाता उनके लिए कम से कम अपन अहिंसात्मक रूप से, शालीन रूप से विरोध जरूर करें और उसके लिए संघर्ष जरूर करें। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इस समूह को, इस भावना को इकट्ठा करके रखकर आगे बढ़ने के लिए। आप सभी ने, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था इस ग्रुप में, आप सभी ने इस सम्मानजनक स्थिति तक हमें पहुंचाया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही यह भी बोलूंगा कि आप बिल्कुल यह मत समझो कि हम किसी राजनीतिक दल से हैं। हम दो राजनीतिक दल के लोग मिलकर अंतिम तीन दिनों में जो एक साथ काम कर रहे थे उनसे हार पाए। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बोल जाता हूँ, क्षमा चाहूंगा, मैं हकीकत है। मतलब जैसे यूनिटी बन गई थी, भैया हम तो निकल नहीं रहे, एक काम करो तुम्हारे साथ ही चल चलते हो, वो वाली स्थिति बन गई थी अंतिम तीन दिनों, और उससे थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ गणित, अन्यथा आप सबकी विजय सुनिश्चित। बात को अधिक न खींचते हुए पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और यदि कभी कोई ऐसी बात हो जहां पे आपको हमारी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं आश्वस्त करता हूं कि आधी रात को भी आवाज दोगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अपना हौसला बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। सभी का पुनः आभार।